आज सुहाना सफर विद अनु कपूर में चर्चा कर रहे हैं साल 1964 की। 1964 में बड़ी कमाल कमाल की फिल्म्स रिलीज हुई। हकीकत का जिक्र कर चुके हैं, संगम का जिक्र हो चुका है, और भी बहुत बेहतरीन फिल्म्स आईं। जमाना ऐसा था कि एक बहुत बड़ी मैगजीन निकला करती थी, उस मैगजीन में कूपन हुआ करते थे, जनता उन कूपन्स में अपने फेवरेट कलाकारों के नाम, म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिसिस्ट हो, हीरो हीरोइन हो, फिल्म का डायरेक्टर हो, फिल्म का टाइटल हो, वो अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वो कूपन भर देते थे। और इस कूपन के हिसाब से कि जितने ज़्यादा कूपन जिसके फेवर में जाएंगे उस हिसाब से अवार्ड्स मिल जाते थे। मैं बड़ी बड़ी मैगजीन्स थी उस ज़माने के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने ये मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने, और बड़े बड़े कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स का भी नाम लेते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, कि वो सारी मैगजीन्स खुद ही खरीद लेते थे। एक एक लाख रुपये की मैगजीन खरीद लेते, 50-50, 40-40 हज़ार रुपये की मैगजीन खरीद लेते थे, और खुद ही अपने स्टाफ से कहते थे कि हमारा नाम लिख दो, हमारा नाम लिख दो। कूपन चले जाते थे, अब कूपन जब खोले जाते थे तो अगर आपके स्टाफ ने ही आपका नाम लिया हो, लिखा हो, और 50,000 कूपन में आपका ही नाम हो, तो जाहिर है कि आप ही फिल्म उस अवार्ड के हकदार बनेंगे। ये तो बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन है। जी जी जी, ऐसा होता था। शंकर जयकिशन के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया, इसमें कितनी सत्यता या प्रामाणिकता थी ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन SJ के ऊपर ये आरोप लगता था कि वो सारी मैगजीन्स खरीद लेते थे। कितनी सच्चाई कितनी गलती मैं कह नहीं सकता हूँ। इसी दौरान इस माहौल के अंदर जब बड़े बड़े दिग्गज, समझी बोलिए, ये जो कूपन की बात हम 64 की आपने बात की, तो 60s के टाइम की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज वो चीज हमें देखने को मिलती है इंटरनेट पे वोटिंग और ये सब चीजें, कहीं ना कहीं शायद वो स्कोप अभी तक, वो प्रोसेस जो है, वो चलन जो है, वो अभी तक चल जैसे रहा है। जैसे बदल गया है, पर हाँ चीजें वही है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए हैं ना। अब SMS भी तो आ गया है। SMS के ऊपर जो आप करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक SMS, एक मोबाइल से, एक नंबर से आप 30 से ज्यादा SMS नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि ऐसे SMS करोगे तो 1 रुपया है, लेकिन उस पर्टिकुलर अगर नंबर के ऊपर आप करोगे तो 6.5 या 7 रुपया लगते हैं एक SMS करने के। फिर लोग क्या करने लगे कि जो किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, म्यूजिक शो में भाग लेते हैं, वो क्या करते हैं कि 25-30 हज़ार रुपया अपने बजट में रख देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भाई ये 25-30 हज़ार रुपया आपको दिया और हमारे नाम से हमारे फेवर करते हुए आप SMS वोट करने लगो। फिर इस तरह से मार्केट में इस तरह से कुछ कंपनीज आ गई, कुछ इंडिविजुअल आ गए जो ये काम करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं। आप उनको 25-50 हज़ार रुपये दे दीजिए और वो बैठे हुए, उनका कनेक्शन, उनका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि वो आपके नाम के ऊपर SMS करते रहेंगे, और उन SMS की वजह से, जनता के SMS की वजह से आपका कैंडिडेट या जिसको आप जिताना चाहते हैं वो जीत जाएगा। तो ये मैन्यूवरिंग, ये मैनिपुलेशन जो है वो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया है, तो इस वजह से हो रही है। पहले इस लेवल के ऊपर होती थी, लेकिन कम बैक टू द 60s की बात कर रहे हैं, 1964 की, तो उस टाइम पर जब ऐसे बड़े बड़े दिग्गज थे, जैसे शंकर जयकिशन थे और मदन मोहन थे, नौशाद साहब थे, यू सी, उसके बीच में एक दो न्यू कमर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत कुदालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। पहली फिल्म आई थी पारसमणि, 1964 में उनकी फिल्म आई दोस्ती, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म थी। वो सोच भी नहीं सकते थे, गाने तो चले, लोगों ने खूब, अरे क्या क्या, मजरू साहब ने गीत लिखे थे। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया रेडियो पे साहिर साहब ने ये कहलवाया कि भाई जब गीत बजे तो गीतकार का नाम भी लें। आज भी इंटरनेट पे अगर आप जाएंगे तो बहुत कम साइट्स हैं जहां पता पड़ेगा गीत किसने लिखा है। गीतकार को कभी मत भूलना, क्योंकि उसके गीत और उसके बोल और उसकी शायरी की वजह से वो ट्यून तुम्हें याद है, ध्यान रखना। अगर भूल जाओगे कैफी को, भूल जाओगे शैलेंद्र को, भूल जाओगे साहिर को, भूल जाओगे हजरत को, भूल जाओगे पंडित भरत व्यास को, भूल जाओगे राजा मेहंदी अली खान को, भूल जाओगे राजेंद्र सिंह बेदी को, तो तुम्हारे पास ट्यून बचेंगी, और विश्वास मानना 10 ट्यून भी तुम गा नहीं पाओगे कभी। तुम गाते हो गीत, संगीत, जिस ट्यून में वर्ड हैं वही गीत बनता है। सो कम बैक टू द पॉइंट कि इस दौरान इतने सारे इस तरह के माहौल में अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का मिल गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, दोस्ती को, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेर, हैं, मजरू साहब का गीत थे,
और वो देखिए जाने वालों जरा अच्छा ये क्यों कहा जाता है, देखो कमर्शियल गाना है, सुपर हिट गाना है, लोग झूम पड़ते हैं इस गाने के ऊपर, लेकिन इस गाने कमर्शियल गाना होते हुए इसके अंदर कितना कमाल की बात छुपी, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से। अगर आप बिब्लिकल हिस्ट्री के अंदर जाएंगे या हमारे हिंदू उसके अंदर जाएंगे, इस्लाम में जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, तो आप ताज्जुब करेंगे परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने, उसको किसी भी नाम से आप याद रख रहे हैं, आदम नाम का एक पुतला बनाया और उसमें अपनी सांस फूकी। आप ताज्जुब करोगे ब्रह्मा ने शिव शंकर को देखते हुए ही मनुष्य की रचना की है जी। शिव को देखते हुए आदि नारायण ने मनुष्य की रचना की है। देखिए साहब मजरू साहब हैं, जोरदार तालियां मजरू साहब के लिए। हाँ देखिए जीवन का कितना बड़ा मर्म, जीवन की क्या मीमांसा है इसके अंदर, जीवन का कितना बड़ा सत्य है। मुझे सर सॉरी जी, पिछले 10-15 साल में शायद ऐसा कोई गीत ही नहीं है जिसमें जीवन दर्शन अभी के किसी गीत में कहीं नजर नहीं। एक गीत है मैं बताऊंगा उस गीत के बारे में, इसी टाइम का गीत है, वो बहुत रेयर इस तरह का हो जाता है, वरना आज के गीतों के अंदर मुझे लगता है गीतों को क्यों दोष दे रहे हैं, किसी को म्यूजिक डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को या एक्टर को दोष देने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो सुनने वालों और देखने वालों कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने एक ऐसा माहौल। देखो एक बात सुनो, चीज वही बिकती है बाजार में जिसके खरीदार ज्यादा होते हैं। अगर बाजार में नाले का पानी बिक रहा है तो इसका मतलब नाले का पानी खरीदने वाले बहुत ज्यादा होंगे। ध्यान रखिएगा, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कम बैक टू दोस्ती, दोस्ती को मिल गया फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड, और प्यारे लाल जी ने कहा कि हम यकीन नहीं कर पाए कि इतना सब जहां बड़े बड़े लोग हैं वहां हम जैसे छोटों को, हमारे जिनको हमने गुरु माना है शंकर जयकिशन को, उनको ना मिलके हमको मिल जाएगा, तो परमात्मा की असीम कृपा ही रही। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।